तो अभी भाई स्वागत है आप सभी का मेरे पिछले वीडियो के अगले व्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं सीधे भूल भुलैया की तरफ, वहाँ से मुझे एक गाइड लेना है। फिलहाल तो पहले इमामबाड़ा के अंदर जाते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था दोस्तों, मुझे भाग के पिछले गेट पे आना पड़ा है। और मैटर ये था कि जहाँ से मैंने टिकट खरीदे थे, मैंने वहाँ 500 की नोट दी थी और उनसे बाकी पैसे लेने भूल गए थे, जो कि मैंने अब लिए हैं आके और अब वापस जा रहा हूँ। तो बाकी पैसे तो वापस आराम से मिल गए हैं, वो बस यही बोल रहे थे कि हम तुम्हें पैसे दे रहे थे, तुमने लिए नहीं, तुम उधर व्यस्त हो गए। तो फिलहाल अगर कुछ कहते तो मैं उनको वीडियो दिखा देता कि मैंने उनको 500 रुपये दिए भी थे और मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तो फिलहाल वीडियो दिखाना नहीं पड़ा, उन्होंने ऐसे ही दे दिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। अब सीधा अंदर एंट्री करते हैं इमामबाड़ा के। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की लाइटें लगी हैं, दूर तक इतना लंबा हॉल है। और इस हॉल के अंदर कोई भी पिलर नहीं दिया गया, ये भी आप देख ही सकते हैं। और ये जो गाइड उन लोगों को लेके जा रहा है आगे आगे, अभी मुझको भी लेके जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मैंने अपने गाइड के पैसे दे दिए हैं। तो अभी ये लोग हमको भूल भुलैया के लिए पहले ले चल रहे हैं, उसके बाद ले चलेंगे अंदर। तो भूल भुलैया के लिए अभी निकल रहे हैं हम लोग, जो कि सामने रास्ता है। तो अभी मेरा जो गाइड है वो हम लोगों को सामने लिए जा रहा है, और मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं जो कि सामने चल रहे हैं। टिकट चेक होगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ से 45 श्रेणी चढ़ा है, 45 से बोलने शुरू होती है, 45 श्रेणी यहाँ से गिनती ऊपर चढ़ी है। तो बोल के गए हैं 45 सीढ़ी यहाँ से ऊपर तक चढ़नी है, पूरी सीधी चढ़ाई है ऊपर तक। वाह ठंडी हवा। तो फिलहाल अभी ऊपर आ गए हैं 45 सीढ़ियाँ चढ़ के, और ये ऐसा कुंदा जा रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे हाँफ रहे हैं खड़े, क्योंकि 45 सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये ऊपर का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा सा। लोग ऊपर तक खड़े हैं, और ये बाहर का व्यू जहाँ से भी मैं दौड़ के आया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे बैठ के। ये देखिए वाव, पूरा लखनऊ देख लीजिए आप यहाँ से। पैसे वसूल हो गए भाई, पैसे वसूल हो गए। फिलहाल अभी यहाँ पे बैठे हैं काफ़ी ऊंचाई पे, और हमारा जो गाइड है वो चिल्ला के हम लोगों को बुला रहा है, और अब चलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए चलिए, 786 क्लिक। तो भाई ये इतनी पतली सी यहाँ पे गुफा टाइप में है, दे दो। तो ये भी इधर ले जा रहे हैं अंदर की ओर, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, इसीलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने दरवाजे हैं यहाँ पे भैया, आने जाने का एक गेट, घूमने के लिए 1000 गेट, 1000 गेट है यहाँ पे। और ये देखिए मुझे प्लेस ऑन करनी पड़ेगी। हाँ आओ आओ, अच्छा सब लोग आ जाओ, सब लोग राइट साइड में और राइट साइड खड़े हो जनाब। बस ऊपर भूल भुलैया है, नीचे जो 15-15 फीट की मोटी दीवाले आप देखी हैं, उसी दीवालों में 2.5 फीट के रास्ते हैं, क्योंकि इसकी छत में सपोर्ट नहीं था, इंजीनियर ने जैसे जैसे वजन को कम किया वैसे वैसे इसके अंदर रास्ते बने जी। तो आने जाने का एक ही गेट वही 786 है, घूमने के लिए 1000 गेट है, घुमाएंगे हम, बाद में 5 मिनट आपकी परीक्षा लेंगे जी, नहीं निकल पाइएगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। वेरी गुड, थोड़ा सा गैप बना के आइए। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे छोटी सी मोड़ पे छोटी सी सीढ़ी है, ध्यान रखिएगा गिरिएगा नहीं। ये अंडरग्राउंड सुरंगे जाती थी दिल्ली आगरा फैजाबाद कलकत्ता, पीछे वाले लोग देख लीजिएगा 1857 के बाद इन सुरंगों को बंद करा दिया गया। सुरंगे देख लिए, बता तो दिए हमने आपको। आइए स्टेप लेके आइएगा, छोटा सा बाकी प्लेन है, छोटी सी मोड़ पे छोटा सा स्टेप, आइए सुरंगे देख लीजिएगा। ये दूसरे जिले में जाती है, उस जमाने का चोर। तो ये तो देखने में इतनी डरावनी लग रही है, सही है भूल भुलैया का नाम, देखो भूतिया लग रहा है भूल भुलैया, देखिए। अगर गाइड ना लेते तो पता नहीं कहाँ जाते जी, अंदर आए थे। अच्छा वो सामने एंट्री गेट, हाँ एकदम सीधे जाके वहाँ से दिख रहा है एंट्री गेट, ये देखिए। चलिए तो यहाँ की आप दीवारें देखिए कितनी पुरानी है, और ये जाके रेड लेने बोल रहे। चलिए चलिए चलते रहिए आप लोग, एक पतली रास्ता आ रहे हैं यहाँ से राइड लेने के लिए बोल रहे हैं गाइड साहब। ये रास्ता गई है पता नहीं कहाँ।
भटक गए। वाओ 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 वाओ। तो अभी हम उस टाइम वहाँ पे थे जो वो रोड गई है वहाँ से। हाँ ये इधर आ जाइए सब लोग। तीन हाल बने चाइनीज वर्सेस इंडियन। नीचे से अगर आप देखें तो ऊपर कुर्सियाँ बनी रहती हैं, है ना। तो ये सामने की चेयर बनी हुई है, नीचे से अगर देखने में लगता है जैसे कोई बैठता था ना, बैठता तो कोई ना थकता था। ये सिर्फ रोशन नान बनाएंगे। अगर आप घर बनवाएंगे सबसे पहले रोशन नान बनाएंगे। बाहर से इंजीनियर आए थे, उन्होंने जब देखा बिल्डिंग बिना सपोर्ट किए कोई सरिया नहीं है, कहने कैसे बनी है। 16 फीट पे आज के दौर में अगर कुछ बनाया जाता तो पिलर जमा पाता, लेकिन ऊपर आके जब इंजीनियर ने रिसर्च करी कहने लगे 4 माले की बिल्डिंग जितने भी गेट हैं तमाम दोनों तरफ के गेट बंद कर दे तो दीवारें छत बैठ जाएगी। छत का जो वजन है वो थोड़ा बहुत हवा के बेस का हुआ, तूफानी हवा जितनी भी है वो इसके आर पार निकल जाती है, इसमें कोई असर नहीं पड़ता। कहावत सुनिए आपने कि धीरे बोलो किसी बुराई में खुलो दीवारों के कान होते हैं। मुहावरा यहाँ से निकला, बिल्डिंग बनने में 236 साल हो चुके हैं। आइए आगे सवाल सुनाए। But the rhythm move us, yeah baby take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep up the groove. We're like. तो ये भाई अभी हमको हॉल में ले जा रहे हैं। ये देखिए कितना भयानक रास्ता लग रहा है यहाँ पे। आप सभी हजरात राइट हैंड साइड खड़े जाइए, टेक लगा के थोड़ा आगे। ये भी आप शांत रहेंगे, आवाज मिलेगी, शोर होगा आवाज में, क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है। इस तरीके से पहले नॉक करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। तो हम कहेंगे चले आइए इस तरीके से, तो आप खुद आके देखिए कहाँ से बोल रहे हैं। बस खामोश रहिए, कोई जवाब मत दीजिए, सामने दीवार से बोलेंगे। सुनिएगा आ रही है। वाह 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 यार, स्पीकर लगे हैं क्या इसमें? अभी ऊपर बुलाया है भैया, देख के भैया। आवाज़ जो आपने सुनी है कैसे आवाज़ जाती है, घर की छत पे लाउड स्पीकर लगाइए, जिधर तेज़ी में हवा जाएगी उसके बाद दूर तक जाएगी। और कुछ कमाल जो है वो इस मसाले का है, ऐसा लगता है प्लाई बीमार है। इसमें पहले के ज़माने पतली ईट जाती लखौरी, देहाती भाषा में कहा जाता है ककैया ईटा। सारे पुराने घर बिल्डिंग सब इस सीटें जुड़ते हैं और ईट जोड़ने जो मसाला लगा है, उड़द की दाल, सुर्खी चूना, लाल मिट्टी खाने वाला गुड़, शहद गुड़, सिंघाड़े का आटा, बेल का रस, इस ईटे का छोटा बजरी और कोयला, सारी चीज़ों का मसाला बना के जोड़ा गया। इस जमाने में अकाल पड़ा, गरीबों को रोजगार देने के नवाबों ने इतना बड़ा इमामबाड़ा बनाया। जब बना रहे थे तो रात में गिराते थे, दिन में बनाते थे। जिनको काम करने में शर्म आती थी, रात के अंधेरे में दीवार गिराई जाती थी, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि वो पीछे। तो अब ये भाई हम लोगों को ले जा रहे हैं लखनऊ सिटी के बारे में कुछ बताने के लिए। ये फिर से गुफा, 10 मिनट आप बोल फ्री हैं, 10 मिनट जाके फोटो क्लिक करिए। ठीक है ठीक है, फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हम लोगों को कुछ और बताएंगे। वाओ व्हाट अ व्यू, क्या दृश्य है यहाँ पे। ये देखिए पूरा नहीं तो आधा लखनऊ देख ही सकते हैं आप। वाओ, इसी रास्ते से अभी होके आए हम लोग। ये देखिए हवा बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे वैसे। पूरा लखनऊ देखिए आप, पूरा लखनऊ दूर दूर तक। ये देखिए आप कहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, वहाँ तक आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ही दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या बना है भैया, समझ से परे है इंजीनियर्स के भी और हमारे तो है ही। वो आप घंटाघर सामने देख पा रहे हो जहाँ से अभी होके आए हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे और अब चलते हैं अपने गाइड के पास, पता नहीं कहाँ होगा। अभी हम लोग हैं यहाँ ऊपर इमामबाड़ा के छत पे और यहाँ से जो हवा आ रही है काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। अभी हम गाइड वहाँ पे बैठे हैं और हम लोगों को बुलाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद चलते हैं देखते हैं क्या है। तो वहाँ पे देखिए जीने बने हैं जो कि ऐसा दिख ही नहीं रहे होंगे, वो दिखाइए अगर बना है आपको दिखाता हूँ आइए। और वहाँ देखिए लड़के ऊपर चढ़े बैठे हैं, टहल रहे हैं ऊपर ऊपर देखिए। वो बड़ी सी मस्जिद, हाँ ठीक, लखनऊ की जामा मस्जिद है ये, सेम दिल्ली में बनी है जी। तो देखिए ये मस्जिद यहाँ बनाई गई है। अच्छा जी, और इधर वाली जो दो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये लखनऊ का चौक मार्केट है, चिकन कपड़ा बहुत मशहूर है यहाँ का।
तो भी भाई ये गाइड जी हम लोगों को ले जा रहे हैं जीने से, जो जीना भी अभी हम लोगों ने आपको दिखाया था। टेम्पर डाल गया कोई, लग जाए पैर में कहीं। ऊंचाई को देखते हुए आइए सब लोग। वाओ, मिनट के रास्ते में 5 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, 4 रास्तों में 1 सही 3 गलत। फोन की लाइट ऑन कर लीजिए, अंधेरा होगा नीचे। सीढ़ी की जिम्मेदारी आपकी है, चलिए नीचे। इधर से जाना है, रास्ता ढूंढना है। तो अभी उन लोग भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 786 का नंबर ढूंढना है। सब पागल हो गए, हमें तो लग रहा है यहाँ से नहीं आए थे वो, बोल रहे यहीं से आए थे। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं अभी फिलहाल। कुछ नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और आगे भाई साहब 4 रास्ते मिलेंगे, लेफ्ट लीजिएगा, ठीक है? आगे चौराहे से लेफ्ट, लेफ्ट ये है तो ये राइट है, ये लेफ्ट इधर ही पे होगा। हाँ चलिए लेफ्ट, इधर आइए। देखिए अभी आप लोग यहाँ से नीचे उतरे थे, 4 रास्ते मिले थे, हमने कहा 4 में 1 सही बाकी गलत। भाई साहब ने कहा इधर जाना है, हमने कहा जाइए, सब लोग इधर गए, ठीक है आगे गए। आगे से हमने कहा था 4 रास्तों में लेफ्ट लीजिए, आपने लेफ्ट लिया। अगर राइट लेते तो रास्ता बंद था, आपने लेफ्ट लिया, घूम के देखिए इस गैली से इस गैली में आ गए, है ना जी सर। तो गलत रास्ता आपको घुमा फिरा के वही लेके आएगा, सही रास्ता बाहर निकला है, सही रास्ता आपका ये है। अब आगे जाएंगे तो आगे 4 रास्ते फिर है, अब उसमें देखिएगा। चलिए भूल भुलैया इसे कहते हैं असली। अबे कहाँ आ गए। यही सही रास्ता होगा। मिल गया ढूंढ लिया मैंने। हाँ इधर से गए थे हम लोग और ये मैंने ढूंढ लिया है। 45 सीढ़ी अगेन। तो फाइनली भी ढेर सारा घूम के भूल भुलैया में भटक के नीचे आ गए हैं 45 सीढ़ियाँ उतर के, और ये बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग। ये सब लोग हैं ग्रुप में जो लोग थे।